नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्लिम फिगर या हम लोग कहें फ्लैट बैली की 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, टॉप 10 बेस्ट एक्सरसाइज जो आप लोगों को फ्लैट बैली देगा, गुड लुकिंग फिगर देगा और अट्रैक्टिव जो है आप लोग लगेंगे। तो ये सभी एक्सरसाइज जो हैं वो 40 सेकंड्स की रहेंगी। तो अगर आप लोगों को अपने फिगर को मेंटेन रखना है, गुड लुकिंग दिखना है और हेल्दी भी रहना है, तो आज से ही ये 10 एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोगों का बहुत सारा साइड फैट भी रिड्यूस होने वाला है, बैली फैट भी रिड्यूस होने वाला है। और ये सभी एक्सरसाइज जो हैं आप लोग कह सकते हैं आप लोगों के चर्बी को निचोड़ कर रख देंगे। आप लोग जो हैं जैसे नींबू को स्क्वीज़ करते हैं, वैसे ही आप लोगों की जो चर्बी है वो बाहर निकल जाएगी पसीने के ज़रिए। और सर्दियां हैं तो आप लोग इस सभी एक्सरसाइज का मज़ा भी उठा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज से ही आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी अपने फिगर को ऐसे एकदम स्लिम फिट रखना है और छोटे आप लोगों को पतले दिखना है, तो डेफिनेटली आप लोग इन एक्सरसाइज को करना नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है बेस्ट जंप स्क्वाट। ये 40 सेकंड्स तक आप लोगों को करनी है। टारगेट मसल्स में आप लोग कह सकते हैं कि हेमिस्ट्रिंग मसल्स होगी, ग्लूट आप लोगों की मसल्स हो सकती है, रेक्टस एब्डोमिन इसमें इंगेज रहती है और आप लोगों के काफ्स जो मसल्स हैं वो भी इंगेज रहते हैं। और अगर हम लोग कार्डियो को देखें तो वो भी इसमें जो है वो टारगेट मसल्स रहती है। तो 40 सेकंड्स तक आप लोग जो हैं जंप स्क्वाट ज़रूर करेंगे। और जंप स्क्वाट को करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट स्क्वाट करना है और उसके बाद में जब आप लोग उठें तो आप लोगों को एक जंप लगाना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के जो तलवे हैं, पैरों के जो तलवे हैं, उसकी पोजिशन आप लोग देख सकते हैं। हर एक वर्कआउट के बाद में मैंने रेस्ट दिया है, 10 सेकंड का रेस्ट जो है आप लोगों को लेना है और उसके बाद में हम लोग जो है दूसरी एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। दूसरी एक्सरसाइज भी अगर आप लोग देखें तो हाई नी एक्सरसाइज है, जो कि आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करनी है। टारगेट मसल्स जो है हाई नी की सबसे अच्छी जो है वो चेस्ट होती है, या हम लोग कहें लंग्स होते हैं, या हम लोग कहें कि कार्डियो होता है। तो इसमें अगर हम लोग टारगेट मसल्स और भी देखें तो ग्लूट मसल्स ज़्यादा इंगेज रहती है इससे, और हेमिस्ट्रिंग मसल्स हैं आप लोगों की, काव्स मसल्स भी इसमें इंगेज रहती हैं। और स्टैंडिंग आप लोग जो कहते हैं कि एक जगह ही आप लोगों को अपने नीज को चेस्ट की ओर लाना होता है, तो अगर आप लोग ज़्यादा हैवी हैं, ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो धीरे धीरे आप लोग जो है स्लो पोजिशन में हाई नी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। उसके बाद में आप लोगों को जब हाई नी आप लोग करेंगे तो ज़्यादा कार्डियो वर्कआउट होने की वजह से आप लोग जो है थक भी जाएंगे जल्दी। तो उसके बाद में आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट ज़रूर लेना है। और उसके बाद में थर्ड पोजीशन पर आप लोगों को जंप स्क्वाट जो पोजीशन है वो करनी है, लेकिन आप लोगों को बॉक्स जंपिंग करनी है, ठीक है। बॉक्स जंपिंग में आप लोगों को क्या करना है, 40 सेकंड्स तक एक बॉक्स जो है वो छोटा लेना है और उसके ऊपर आप लोगों को जंप लगाना है। ध्यान रखिए वो बॉक्स जो है वो खिसकना नहीं चाहिए आगे, आप लोगों को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो घर पर अगर आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। अगर हम लोग इसके टारगेट मसल्स देखें तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की हेमिस्ट्रिंग मसल्स में पूरी ताकत होनी चाहिए, आप लोगों की बैली थोड़ी सी रिड्यूस होनी चाहिए। तो जो लोग हैवी वेट के हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। काफ्स मसल्स भी आप लोगों की स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो ये जो है वो आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तीसरी एक्सरसाइज। उसके बाद में आप लोगों को फिर से मिल जाता है रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद में नई एक्सरसाइज। अब आप लोगों को फोर्थ एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स को अगर आप लोग ध्यान से देखें जो टारगेट मसल्स हैं एक्सटर्नल ओब्लिक्स इसकी रहती है, दूसरी अगर हम लोग देखें तो हेमिस्ट्रिंग मसल्स हैं इसकी टारगेट मसल्स, और अगर हम लोग तीसरी मसल्स की बात करें तो ग्लूट्स भी इसमें प्रभावित होते हैं, काव्स मसल्स भी प्रभावित होती है, चेस्ट एंड लंग्स भी इंक्लूड होते हैं, और कार्डियो वर्कआउट तो एक है ही, तो टोटल बॉडी वेट लॉस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जंपिंग जैक्स जो है वो आप लोगों का सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट बहुत अच्छा है, इससे बहुत जल्दी आप लोगों का जो फैट है वो बर्नआउट होता है और बाहर निकल जाता है, बहुत सारी कैलोरीज इससे बर्नआउट हो जाती है। तो बैली को रिड्यूस करने की और साइड फैट को रिड्यूस करने की जंपिंग जैक्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी प्रकार आप लोगों की चार एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट। तो 10 सेकंड का आप लोग रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। और नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज है लंजेस में, और वो भी है जंप लंजेस। जंप लंजेस की टारगेट मसल्स कार्डियो तो ऑब्वियसली आप लोग काउंट कर सकते हैं, दूसरी आप लोग लंजेस जो है वो पैरों के बेसिस पर करते हैं, तो हेमिस्ट्रिंग मसल्स भी इसकी टारगेट मसल्स है, और डेफिनेटली बैली बहुत जल्दी रिड्यूस होती है। और कार्डियो हेमिस्ट्रिंग मसल्स है तो ग्लूट्स भी इसमें शामिल होते हैं, तो टारगेट मसल्स ग्लूट्स भी आप लोगों को मिलती है, काव्स मसल्स भी इसकी टारगेट मसल्स है, और कार्डियो कंप्लीट होता है इससे।
तो अगर आप लोग जो है ये देखेंगे कि ग्लूट्स अगर प्रभावित होते हैं तो जो पैल्विक पोर्शंस है उस पर भी ब्लड फ्लो जो है वो इससे होता है, तो टोटल बॉडी वेट लॉस भी इसमें काउंट आप लोग कर सकते हैं। तो लंजेस का भी इसमें बहुत असरदार होता है कि अगर आप लोग बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों की 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, रेस्ट ले लीजिए 10 सेकंड का, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 6 नंबर एक्सरसाइज नी टक क्रंचेस की ओर। नी टक क्रंचेस में आप लोगों को क्या करना है, टारगेट मसल्स रेक्टस एब्डोमिन रहेगी, तो बेली पर पूरा का पूरा जोर रहेगा, इंगेज रहेगी बेली, इससे टोंड होगी बेली, बेली जो है वो आप लोगों की टोंड बनने लग जाएगी, जो बेली की जो मसल्स है रेक्टस एब्डोमिन वो इससे टोंड बनेगी। तो डेफिनेटली ग्लूट्स भी इसमें आप लोग टारगेट मसल्स देख सकते हैं, हेमिस्ट्रिंग मसल्स है आप लोगों की वो भी देख सकते हैं, चेस्ट भी इसमें प्रभावित होता है, और आप लोगों का बेली पर अगर आप लोगों को एब्स बनाने हैं तो नी टक क्रंचेस बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही इसमें पेल्विक पोर्शंस पर भी ब्लड फ्लो जो है वो होता है, तो केजल एक्सरसाइज में भी इसको आप लोग एक काउंट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आप लोगों का नंबर 6 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और उसके बाद में आप लोगों को फिर से मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट, और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लोग 7th सुपर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे जो कि 3-in-1 एक्सरसाइज है। इसमें वाइड लेग है, नी टक क्रंच है और लेग रेज है, 40 सेकंड तक आप लोगों को करना है। वाइड लेग, पहले पैरों को दोनों को फैलाना है, मतलब एक पैर को फैलाकर दूसरे के पास लेकर आना है, दूसरे को फैलाना फिर पास लेकर आना है, उसके बाद में नी टक क्रंचेस करना है, और लेग रेज लास्ट में थर्ड पोजीशन है। तो 3-in-1 एक्सरसाइज है, यानी कि 3 एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज में काउंट होती हैं। टारगेट मसल्स हेमिस्ट्रिंग मसल्स रहेगी, ग्लूट्स रहेंगी, रेक्टस एब्डोमिन रहेगी, और डेफिनेटली आप लोगों का चेस्ट भी इसमें शामिल होगा, और कार्डियो भी इसमें शामिल होता है। तो 7th नंबर जो एक्सरसाइज है वो टॉप एक्सरसाइज है, इससे आप लोगों की बेली बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकती है, बेली फैट एकदम से गायब हो सकता है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज भी करना नहीं भूलें, क्योंकि इससे बेली जो है वो इंगेज रहती है, और उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट। तो 7th एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 8th एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर, और माउंटेन क्लाइंबर तो आप लोगों को पता ही है, ये भी एक कार्डियो वर्कआउट है, और टारगेट मसल्स इसमें रेक्टस एब्डोमिन रहेगी, ऑब्लिक्स मसल्स रहेंगी, ग्लूट्स मसल्स रहेगी, थाइज की रहेंगी, हेमिस्ट्रिंग मसल्स, और आप लोगों की मीडियस और मैक्सिमस जो मसल्स हैं ग्लूट्स की वो भी इसमें शामिल रहेंगी। चेस्ट में आप लोग कार्डियो इसमें शामिल कर लेते हैं, आर्म्स मसल्स भी इसमें टारगेट मसल्स रहेगी। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो बहुत सारी कैलोरीज हैं वो आप लोग बर्न आउट कर लेंगे। तो थोड़े से वर्कआउट के अंदर, यानी कि इन 10 सभी एक्सरसाइज यानी 10 सुपर एक्सरसाइज के अंदर आप लोग बहुत सारा फैट जो है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, बेकार का फैट, उसे आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबर को करना नहीं छोड़ें, और माउंटेन क्लाइंबर भी 40 सेकंड्स का है, तो उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट। जो लोग ये एक्सरसाइज जो लो इम्पैक्ट में कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, वो धीरे धीरे ज़रूर करें ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके, तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 एक्सरसाइज पर आता है बर्पी एक्सरसाइज। टारगेट मसल्स आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन रहेगी, ऑब्लिक्स मसल्स रहेंगी, और कार्डियो वर्कआउट भी इसमें शामिल होता है, थाइज मसल्स भी इसमें देखिए काउंट होती है, आर्म्स मसल्स भी इसमें काउंट होती है। तो ये सभी मसल्स जो हैं वो सुपर एक्सरसाइज में बर्पी को हम लोग काउंट करते हैं। 40 सेकंड्स के लिए भी आप लोगों को अगर बर्पी आप लोग पूरे दिन में कर लेते हैं तो भी आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि आर्म्स इसमें काउंट होता है, चेस्ट काउंट होता है, बॉडी का वेट इसमें लूज होता है, टोटल बॉडी फैट लॉस के लिए भी बर्पी जो है वो बहुत ही अच्छी और सुपर एक्सरसाइज है। तो इसे आप लोग काउंट कीजिए और अपने वेट को लूज करने में आप लोगों को मदद मिल सकती है। तो आज ही से शुरू कर दीजिए, अब मिल जाता आप लोगों को रेस्ट, तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सो लीजिए, थोड़े से गाने वाने सुन लीजिए, और उसके बाद में दोबारा से स्टार्ट हो जाइए 40 सेकंड्स के लिए हिप डिप्स के लिए। तो 10 एक्सरसाइज है हिप डिप्स जो है आप लोगों की, जो एक्स्ट्रा साइड का फैट है वो रिड्यूस कर देगा। तो ऑब्लिक्स मसल्स इसकी टारगेट मसल्स है, प्लैंक इसमें शामिल है, तो रेक्टस एब्डोमिन भी इसकी मसल्स होगी टारगेट मसल्स, ग्लूट्स भी इसमें जो है प्रभावित होते हैं। अगर आप लोग देखें तो किस प्रकार टर्न आउट हो रहे हैं आप लोगों की कमर जो है, तो वेस्ट का जो साइड फैट है वो भी इसमें बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। हेमिस्ट्रिंग मसल्स भी इसमें काम कर रही हैं, आप लोगों की आर्म्स भी इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फिगर को एक कर्वी देना चाहते हैं, कर्व देना चाहते हैं, तो ये एक्सरसाइज हिप डिप्स आप लोग जरूर करें 40 सेकंड के लिए। अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो प्लीज़ अगर दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जहां पर आप लोग शेयर करना चाहें। तो दोस्तों आप लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को कोई एक्सरसाइज चाहिए होती है या कुछ पूछना होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया नेटवर्क पर जहाँ आप लोग शेयर करना चाहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।